13 गेंद 4 विकेट 8 रन। राजस्थान के इस प्रदर्शन से हर कोई हैरान। मैच से पहले ही हारने का बना लिया था प्लान। मैच से पहले ही राजस्थान की हार हो गई थी पक्की। संजू ने फिर से वो गलती दोहराई जिसने राजस्थान की मुसीबत बढ़ाई। राजस्थान के खिलाफ बैंगलोर ने ऐसे दो खिलाड़ी खिलाए, संजू उनका कोई तोड़ नहीं खोज पाए। अपने घर में मिली हार, अब राजस्थान हो गई बाहर। बैंगलोर के मैच जीतते ही पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव। 3 टीमें हुई बाहर, 3 टीमों पर लटकी तलवार। किस टीम का होगा बेड़ा पार? जी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कोई भी प्रेडिक्शन फेल है। मैच से पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद अपने घर में राजस्थान मैच को जीतकर सुपर फोर में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेगी। वो सारे सपने धरे के धरे रह गए। केवल 13 गेंदों पर राजस्थान इस मैच को हार गई। वो 13 गेंद राजस्थान पर इस तरह से भारी पड़ी कि दोबारा से टीम को संभलने का मौका नहीं मिला। राजस्थान की इस शर्मनाक हार के बाद संजू की इस गलती की आलोचना हो रही है। साथ ही बैंगलोर के उन दो खिलाड़ियों की भी बात हो रही है जिनके ऊपर काफी बवाल हुआ, लेकिन इस मैच के बाद पॉइंट टेबल में भूचाल आ गया, जिसके बाद 3 टीमों के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन पहले मैच की कुछ बड़ी बातें। नंबर 1, आज इस मैच में संजू सैमसन ने अपने सबसे धाकड़ गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को बाहर करके जैम्पा को खिलाया था। संजू के इस फैसले की आलोचना हो रही है। नंबर 2, इस मैच में सवाल बैंगलोर की टीम पर भी खड़े हुए थे। बैंगलोर ने हेजलवुड और हसरंगा को बाहर करके ब्रेसवेल और पार्नेल को खिलाया था और दोनों ने आते ही शानदार प्रदर्शन भी किया और राजस्थान की कमर को तोड़कर रख दिया। नंबर 3, इस रोमांचक मैच में राजस्थान के 5 विकेट पावर प्ले में ही गिर गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान की टीम 59 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। आईपीएल 2023 में राजस्थान का ये सबसे खराब प्रदर्शन है। इस मैच में राजस्थान के टॉप 5 बल्लेबाज पावर प्ले में ही मैदान छोड़कर बाहर चले गए। नंबर 4, इस मैच में राजस्थान की तरफ से 6 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए, जो अपने आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। नंबर 5, इस हार के बाद राजस्थान आईपीएल 2022 से बाहर हो गई है। पॉइंट टेबल में राजस्थान के अब 13 मैचों में केवल 12 पॉइंट है। नंबर 6, इस जीत के साथ ही बैंगलोर ने पॉइंट टेबल में छलांग लगाई है। बैंगलोर इस जीत के साथ 12 मैचों में 12 पॉइंट्स पर पहुंच गई है, अभी भी वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है। नंबर 7, इस मैच में राजस्थान के केवल 2 बल्लेबाजी दहाई का आंकड़ा पार कर पाए, बाकी सभी आते गए और जाते गए। नंबर 8, इस मैच में राजस्थान को दोनों बड़े स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला। अश्विन और चहल को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला। नंबर 9, बैंगलोर ने यह मैच 112 रनों से जीता। इस सीजन ये बैंगलोर की सबसे बड़ी जीत है और राजस्थान की सबसे बड़ी हार। आपको बता दें, इस जीत के साथ ही बैंगलोर राजस्थान को पॉइंट टेबल में पछाड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गई है। इस जीत के बाद बैंगलोर की सुपर फोर में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं। वहीं इस जीत के बाद राजस्थान बाहर हो गई है। दिल्ली और हैदराबाद पहले से ही बाहर हो चुकी हैं। साथ ही अगर आने वाले दोनों मुकाबले बैंगलोर ने जीत लिए तो लखनऊ और पंजाब के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो आपका राजस्थान की हार पर और बैंगलोर की इस जीत पर क्या कहना है? आप बैंगलोर के इस जीत के सबसे बड़े नायक किसको मानते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।